Students, today I am going to teach you lesson number 2, the fifth story, page from 19, which part 2nd. It has been written by Rusty Bond. Previous day I was taught you about the fifth one, who was failing to get 600 rupees a rich iron traders yani वह 15 वर्षीय चोरी करने वाला बालक जब 600 रुपए आने का प्राप्त कर लिया तो सोचा यार मेरे पास काफी अधिक पैसे हो गए हैं और मैं इस पैसे से बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं तो एक तेल के अरब का बहुत बड़ा व्यापारी के समान हो गया हूं, मेरे पास अब कोई कमी नहीं है। उस पैसे को लेकर के और वह स्टेशन की ओर गया, लेकिन वह चोर बालक अपना अनुभव बताता है और यह कहता है कि मैं अब तक कभी भी टिकट नहीं खरीदा रेलवे प्लेटफॉर्म का, कभी भी यात्रा के लिए टिकट नहीं लिया, इसीलिए आज भी मैं टिकट नहीं लूंगा। और वह सीधे बिना टिकट घर गए हुए प्लेटफॉर्म की ओर चलते, प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ठीक उपाय ने देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस उस समय जा रही थी। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन से बढ़ना शुरू की थी, जोर पकड़ना शुरू की थी। आराम से मैं किसी भी डिब्बे में चढ़ सकता था, यानी ठीक हुआ है मन में सोच रहा है। जैसे ही वह ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, अचानक उसके पैर ठिठक गए। उसके मन में हिचकिचाहट हुई, पता नहीं यह हिचकिचाहट किस कारण हुई। इस बात को वह कोई भी नहीं समझ पा रहा था, आखिर ट्रेन जा रही है जहां मैं जाना चाहता हूं, फिर भी दिल कबूल नहीं करता है कि मैं ट्रेन पकड़कर भाग जाऊं। और इस प्रकार से मैं भागने का मौका खो गया। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन, आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। नेक्स्ट पारा, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब गाड़ी चली गई, आई फाउंड माय सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो मैं अपने को एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर पाया। गाड़ी जब चली गई, भीड़ समाप्त हो गई स्टेशन पर, तो वहां का वातावरण बिल्कुल सुनसान हो गया और यह बालक जो ठीक हुआ है यह अपने को अकेला पाया, लेकिन वह डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि रात का समय है, समय कहां बिताऊं। आई हैव नो फ्रेंड्स, बिलीव इन द फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरा कोई मित्र नहीं था क्योंकि मेरा विश्वास था कि मित्र सहायता से अधिक परेशानी पैदा करते हैं, मित्र सहायता कम करते हैं परेशानी ज्यादा पैदा करते हैं। ये ठीक बॉय के हृदय में ये भावना पनप रही है। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं स्टेशन के नजदीक किसी छोटे से होटल में ठहर कर किसी के मन में जिज्ञासा पैदा नहीं करना चाहता था, यानी होटल में भी रहने की इच्छा नहीं थी। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं ठीक से जानता था और उसके पास रहने का मुझे अनुभव था, उसी के पास जाने की इच्छा कर रही है, लेकिन अफसोस है कि मैं उसे पूछ चुका हूं। यानी ठीक हुआ है
के मन में उस अनिल के पास ही जाने की इच्छा प्रकट रही, जो अभी तक शायद सुना हुआ होगा अपने छत पर, जिसे वह चोर मालक जो है 600 रुपये उसे लूट कर भाग गया था। उस अनिल को छोड़ने की इच्छा उसके मन में नहीं हो रही है, क्योंकि अनिल के सिवा उसका जाना पहचाना चेहरा वहां कोई नहीं था जहां पर रात बिता सकता था। और इस प्रकार से स्टेशन से बाहर निकल गया वह लड़का और धीरे धीरे बाजार में घूमने लगा। इन माय शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैव मेड ए स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैव लॉस्ट देयर गोड्स, यानी चोरी के अपने छोटे से जीवन काल में मैंने इंसानों के चेहरों का अध्ययन किया था कि जब वे अपना सामान खो देते हैं तो उनका चेहरा कैसा दिखाई पड़ता है। किसी का सामान कुछ खो जाता है तो उसका जो चेहरा होता है वो बदल जाता है, बहुत बड़ी उदासी छा जाती है चेहरे पर, चारों तरफ अंधेरा दिखने लगता है, मन हताशा हो जाता है, हताश हो जाता है। लालची आदमी ने चोर को भय दिखाया, अमीर आदमी ने गुस्सा दिखाया, और जब गरीब आदमी की जब बारी आई तो वह उसे चुपचाप सहन करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, यानी स्वीकारोक्ति उसके पास थी जो गरीब होता है, यानी गरीब को धन चले जाने के बाद भी कोई विशेष चिंता नहीं होती, वह समझ लेता है कि मेरा प्रारब्ध था, ये मेरा फॉर्चून है या मेरा फैट है, ऐसा समझता है जो व्यक्ति होता है। लेकिन वही यदि अमीर व्यक्ति को कोई लूटता है तो उसे गुस्सा आता है, और यदि कोई लालची व्यक्ति को लूटता है चोर तो उसे भय होता है। तो अनिल के चेहरे को ही वह बहुत अच्छी तरह से देखा था, अनिल के चेहरे को बहुत बार वह पढ़ चुका था, यह बिल्कुल जीता जागता इंसान है, इसके पास अपने और पराये का कोई भेदभाव नहीं है, यह व्यक्तिगत जीवन जीने वाला इंसान है, यह धन की परवाह जीवन में नहीं करता, योग्य व्यक्ति को धन आता है निश्चित रूप से, और जब धन आता है तो वह उसका स्तोत्र नहीं करता बल्कि धन का सदुपयोग करता है, और इस क्रम में यदि उसका धन चला भी जाए बर्बाद भी हो जाए तो वह उसकी चिंता विशेष नहीं करता। अनिल ऐसा ही एक चेहरा है, उस ठीक बॉय के मन में यह भावना उत्पन्न हो रही है, भावना पड़ रही है, लेकिन जब उसकी नींद टूट जाएगी, अनिल की नींद टूट जाएगी तो पता चलेगा कि वह लड़का जिसे मैंने विश्वासपूर्वक अपने यहां सेवा का अवसर दिया था, काम करने का मौका दिया था, वह चोरी करके भाग निकला। सिर्फ केवल अनिल के चेहरे पर चोरी का भाव दिखाई पड़ेगा, कोई पैसे जाने की चिंता विशेष नहीं है। ये भावना, ये जो इंस्पायर है, इंस्पिरेशन है, वो जो 15 वर्षीय छोटा सा बालक है जो चोरी करने में काफी एक्सपीरियंस हो गया है उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। यद्यपि वह चोरी कर लिया, 600 रुपया अनिल के गद्दे से निकाल लिया, भाग भी गया लेकर के, लेकिन वह शहर सोना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि जिसे मैं लूटा उसे पैसे की कोई लालच नहीं है, वह कोई परवाह नहीं करेगा चोरी आने का, इसीलिए जो मेरा हर्ट है वह पूरा उसी के पास पहुंचाने के लिए अलाउ कर रहा है। और इस प्रकार से वह ठीक हुआ है, वह चोर बालक जो अपना फॉल्स नाम बता रहा था हरि सिंह, वह पुनः अनिल के पास धीरे 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 पहुंच रहा है। तो देखा कि अगर हम अनिल को पैसा नहीं लौटाए तो उसका भरोसा मेरे ऊपर से टूट जाएगा, और इस प्रकार से उसके पैर एक फील्ड में, एक मैदान में अचानक खिटक जाते हैं और एक बेंच पर वह बैठकर चिंतन करने लगा।
तब तक रात जो है बीत रही थी, नवंबर महीने की शुरुआत थी और मौसम भी अच्छा नहीं था, हल्की बूंदाबूंदी हो रही थी जिससे उस दिन बालक को परेशानी हो रही थी। I found myself in the madam sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and the light drizzle added to my discomfort. Soon it was getting quite heavy. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. और इस प्रकार से बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। वह चोर बालक जो है, जो 15 वर्ष का है और चोरी करने की बुरी लत का शिकार हो गया है, वह उस पानी में लथपथ हो गया। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए और उसके चेहरे पर भी पानी स्पष्ट रूप से झलकने लगे, यानी वह बिल्कुल भीग गया। वह तो ठीक बालक है, बिल्कुल पानी से भीग गया। ठंडी ठंडी हवा बहने लगी और इस प्रकार से वह बालक ठंड से सिकुड़ रहा था। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं यानी जो थी बालक है वो कहता है कि मैं वापस बाजार चला गया और घंटा घर जो टावर होता है टाउन में, चौक चौराहे पर टावर बना होता है, उस घंटा घर यानी टावर की छाया के नीचे बैठ गया। घड़ी में उस समय आधी रात का समय बता रहा था और मैंने नोटों को छुआ, जो नोट मैंने चोरी की थी उस नोट को मैंने छुआ तो वह बारिश के कारण थोड़ा गीला हो गया था। They were damp from the rain. Anil's money in the morning they would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had at all. जैसे ही वह पैसा को छुआ, पैसा पानी में बिल्कुल भीग चुका था, तो चोर बालक के मन में अचानक अनिल का चेहरा सामने आया। अनिल का चेहरा उसके आंखों के सामने आया और वह सोचने लगा कि शायद सुबह होने पर वह मुझे सिनेमा देखने के लिए 2 या 3 रुपये दे देता, क्योंकि ये अनिल की आदत थी कि जब उसके पास पैसे आते थे तो वह सर्वेंट के ऊपर खर्च करता था, अपने मित्रों के ऊपर उसे खर्च कर देता था, न कुछ पैसे को भविष्य के लिए विशेष जमा करके रखता था। यानी जो योग्य व्यक्ति होता है उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती, पैसा का आना जाना लगा रहता है। इस क्रम में वह जैसे ही पैसा आता है अनिल उसे अपने मित्रों पर खर्च कर देता है, अपने ऐशो आराम में खर्च करता है और अपने पास जो रहता है सर्वेंट उसे भी उसकी इच्छा की पूर्ति करता है। ये सारी बात उस थीफ बॉय को याद आ रही है। अब तो मेरे पास अनिल का जो सर्वेंट है यानी थीफ बॉय, वो सोचता है कि मेरे पास जो पैसे हैं मैं उसका भोजन नहीं पका सका, वो आसान में होगा, सो कर उठेगा तो सोचेगा कि जो हरी सी घर मुझे चाय देगा, समय से भोजन पका कर देगा है, लेकिन मैंने तो ना तो उसे चाय बना कर दिया अभी तक, ना उसके लिए बाजार से सामान लाने गया, मैं तो चोरी करके उसे पकड़े जाने के भय से अभी तक छिपा हुआ हूँ और रात में इतना कष्ट भोग रहा हूँ, कष्ट सहन कर रहा हूँ और ना ही पूरे वाक्य लिखना सीख सका। यानी अनिल ने उसे पूरा वाक्य सिखाने के लिए भी कहा था कि मेरे पास रहोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हें पढ़ने लिखने का भी ज्ञान उसे प्राप्त होगा, लेकिन हरि सिंह को यह लग रहा है ना तो मैं लिखना सीखा ना पढ़ना सीखा और ना तो जो भरोसा करता है व्यक्ति उस पर उसे आराम भी दे सका, इसलिए मेरा जीवन चोरी करने के चलते बिल्कुल अस्त व्यस्त बीत रहा है और मेरा जीवन का कोई सही उपयोग नहीं है, ऐसा आत्मग्लानी हो रही है उस थीफ बॉय को हरि सिंह। चोरी करना तो बहुत सरल काम था और कभी कभी तो पकड़ा जाना भी इतना ही आसान था, परंतु वास्तव में एक बड़ा आदमी बनने, एक चालाक और इज्जतदार आदमी बनने के लिए कुछ और चाहिए था। यानी वो कुछ और क्या चाहिए था, मानव को इंसानियत की प्राप्ति करना, इंसानियत गुड नेचर गुड बिहेव वाला व्यक्ति बनना था और
अनिल के पास मिलेगा। उसके पास विद्वता है, उसके पास पैसे की कोई विशेष महत्व नहीं है जीवन में, पैसे की कोई चाहना नहीं है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मात्र पैसे चाहिए, जिसके अचर के लिए उसके पास काफी योग्यता है, इसलिए वो पैसे को स्टोर नहीं करता, वह पैसे सहज समझ करता है, अपने मित्रों के साथ मिलकर उसे खर्च करता है। इसलिए जितना आराम मुझे अनिल के पास है उतना आराम इस 600 रुपये की चोरी करने के बाद मुझे प्राप्त होने वाला नहीं है। इस प्रकार हरी शुरुआत लागू हो रही है चोरी करने के बाद। मैंने चोर कहता है कि मेरा हृदय इसे कबूल नहीं करता है, हर्ट अलाउ नहीं करता है और मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा है, इसलिए मैं इस पैसे को लेकर पुनः अनिल के पास जाता हूँ, ऐसा डिसीजन लिया। आई हर्रीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस और इट मस्ट बी शेयर टू स्टील समथिंग दैट रिटर्न इन अंडर द टेबल। इस प्रकार से जो थीप बॉय है उसके अंदर में बहुत घबराहट हो रही, घबरा रहा था उसका हृदय। वह धीरे धीरे कमरे की ओर चल गया और क्योंकि वह पैसा चुराया था इसलिए चोरी करने का धड़कन उसके दिल में बढ़ा हुआ था, लेकिन वह यह चाहता था किसी प्रकार मैं अनिल के पास चोरी छिपे पहुंच सकूं। इस प्रकार वह सोया था, अनिल सोया था और वह चोर बालक धीरे धीरे उसके समय पहुंच गया और उसके बिस्तर के सिरहाने की तरफ हाथ में नोटों को लेकर के रेंगता हुआ पहुंचा। मैंने अपने हाथ पर उसके सांस महसूस की, यानी उसके हृदय पर हाथ का स्पर्श किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह भी सोया है। I read some money story, he explained. Now you shall be paid return. My spirit rose, but when I took the note, I said it was still made from the night's end. Today is when I start writing sentences, he said. यानी वह उस नोट को लिए हुए और धीरे धीरे शांत कदमों से और वह गंदे तक पहुंच गया और नोटों को लिए हुए वह अंदर घुस गया। अगले दिन सुबह में अनिल देर से जागा तो पता चला कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियों के मध्य में 50 रुपये का नोट था, जिससे थीप बॉय कहता है कि मेरा दिल रुक गया, लगा कि अरे अनिल समझ गया कि मैं उसका रुपया चोरी कर गया हूं। कल मैंने कुछ पैसा कमाया था, अनिल ने कहा कि कल मैंने कुछ पैसा कमाया था, वही पैसा मेरे पास ये है, इसीलिए तुम घबराओ नहीं हरी सिंह, मैं तुम्हें रेगुलर पैसा देता जाऊंगा, जो तुम काम करोगे मेरे पास रहकर उसका पैसा मैं तुम्हें रेगुलर देता जाऊंगा, पैसे की चिंता मत करना। इस प्रकार से एक सजीव इंसान अनिल चोरी करने वाले बालक को और भी पैसा देना चाहता है, जिससे उस चोर बालक को आत्मग्लानी हो रही है कि मैं तो इसका पैसा चोरी कर भाग गया था, लेकिन इसी प्रकार जब यहां आया तो यह फिर से मुझे पैसा देना चाह रहा है, कितना महान इंसान है यह, पैसे का इसके जीवन में कोई उपयोग नहीं है, इसके जीवन में सिर्फ उपयोग है उसकी इंसानियत का। एक इंसान व्यक्ति पैसे की चाहना नहीं करता, वह अपना व्यक्तित्व की चाहना करता है, अपने व्यवहार की चाहना करता है, अपनी विद्वता को हासिल करने की चाहना करता है, वह यह नहीं चाहता कि पैसे अधिक आए जिससे कि उसका दुरुपयोग हो और एक सफेद हाथी के रूप में पैसे का दुरुपयोग हो खर्च हो। इसके पीछे वह अनिल नहीं रहता, उसके व्यवहार से उस हरी सिंह नामक चोर का हृदय जो है सो बार बार घबराता है और आत्मग्लानी होती है कि ओह मैंने इसका पैसा क्यों चोरी कर लिया। और इस प्रकार से एक सुंदर व्यक्तित्व वाला, सुंदर व्यवहार वाला व्यक्ति अनिल सिंह के साथ रहकर वो छोटे से बालक को जो बुरी आदत लग गई थी चोरी करने की, वह सदा सर्वदा के लिए दूर हो गए और एक सच्चा इंसान पा करके हरी सिंह एक सच्चा व्यक्ति बन गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यह कहानी ये बताती है कि चाहे आदमी कितना भी गलत आचरण वाला क्यों ना हो,
उसे यदि जीवन में कोई अच्छे इंसान से भेंट हो जाती है तो वह व्यक्ति एक सदाचारी शिष्टाचारी व्यक्ति बन जाता है, वह सही रास्ते को प्राप्त करके जीवन का सुंदर सपना साकार कर लेता है, वह योग मानव बन जाता है और उस व्यक्ति से उसे घृणा होती है जिसने उसे गलत काम करने की आदत दिलाई। ये इसका हमेशा प्रेरणा मिलती है। पढ़ने वाला उम्र का वह बालक हरि सिंह जिसकी आयु 15 साल की थी, बुरी संगति में पड़ जाने के कारण चोरी करने की लत का शिकार हो गया था, लेकिन आज एक नेक स्वभाव वाले व्यक्ति को प्राप्त करके, एक भरोसेमंद व्यक्ति को प्राप्त करके जिसका नाम अनिल सिंह था, आज वह चोर व्यक्ति हरि सिंह बिल्कुल सुधर गया और अपना जीवन शेष पढ़ाई लिखाई की ओर अग्रसर कर दिया, पढ़ाई लिखाई में लगा दिया और उसका जीवन का सपना पूरा हो गया। इस प्रकार से ये समाप्त होती है कहानी यहीं पर। लेसन नंबर 2। थैंक्स। बेस्ट योगे।